बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको एक न्यूज़ से अपडेट करना चाहता हूँ जी। यहाँ पर आपको मैं साथ में दिखा भी देता हूँ अभी और आपको बता भी देता हूँ। मैं कुछ भाई जो इसके मतलब बहुत सी मुझको राय देते हैं कमेंट करके, भाई ऐसा नहीं है, ये है वो है, तो आप पाकिस्तानी सफारा में चले जाएँ, वहाँ पर जाकर रश देख लें खुद से, और इकामा एक्सपायर वालों का और मकतब अमल में चले जाएँ, वहाँ पर जाकर रश देख लें। मैंने मकतब अमल के बहुत 2-3 दफ़ा चक्कर लगा जद्दा में, और उसके बाद सफारा में तो 20 बार गया हूँ। आपके साथ बहुत सी लाइव वीडियो शेयर की हैं बहुत से मसाइल को लेकर, और आज ही एक के भाई का फ़ोन आया हुआ था, केस सामने आया जी, कि वो एक पाकिस्तानी है जी, 3,000 रियाल का फ़ाइन हो चुका था उसको। एक सऊदी बच्ची को, सिर्फ छोटी बच्ची थी, उसको साथ ऐसे जैसे पाकिस्तान में हम बच्चों के साथ ऐसे लाड़ प्यार करते हैं, इसी सिलसिले में तो एक अलग से वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ में। ऐसी कोई भी गलती मत कीजिएगा, तो आपको बता भी दूंगा वो भाई के साथ अभी हो क्या रहा है। तो बहरहाल ये अभी मैं खबर आपको बताना चाहता हूँ, और इसी जो मैंने आपको बताया इसी से आप समझ जाएंगे जो भी मामला हैं। वो ये है जी कि सबसे पहले मैं आपको वो बंदे दिखा दूँ जो ये वीकली रिपोर्ट होती है, मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तरहील वाले बंदे दिखा दूँ जो कि जेल के थ्रू दूसरे ममालक में भेजे जाते हैं सऊदी अरेबिया से, यानी कि वर्क वीजा के ऊपर बैन हो जाते हैं ये बंदे, वो देखना यहाँ पर बड़े करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। 13,412 अफराद तरहील यानी कि तरहील के थ्रू एक ही हफ्ते में निकाले गए हैं सऊदी अरेबिया से, और अभी मैं ये मुकम्मल पिक्चर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसमें देख लें जी, 15,416 अफराद एक वीक पिछले 6-7 दिनों के अंदर 15,616 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं पिछले 6-7 दिनों के अंदर। इनमें कौन कौन से बंदे हैं जी, सबसे पहले लिखा हुआ ये मुखालफा निज़ाम अल इकामा, जिन बंदों के इकामे वगैरह एक्सपायर थे, चाहे एक है चाहे दो है चाहे तीन है। अभी एक के मुतलक 500 है जी फाइन करके छोड़ते हैं, दो के मुतलक 5,000 रियाल फाइन करके छोड़ते हैं, और तीन इकामे एक्सपायर हों तो डीपोर्ट किया जाता है। छोटा महीना हो तो उसके लिए पहले इकामे के ऊपर भी मुश्किल हो सकती है। इसमें 9,572 अफराद आए हैं जी। उसके आगे है जी मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब से निकलने की कोशिश करते हैं या इंटर होने की कोशिश करते हैं, वो है जी 3,747 अफराद। इनमें ज़्यादातर यमनी और इथियोपियन अफराद ही होते हैं, वैसे पाकिस्तानी भी गिरफ्तार होते हैं जी। और आगे जी मुखालफा निज़ाम अल अमल 2,097 अफराद, 2100 अब बंदे ही बोल रहे हैं यार, ये वो हैं जी जिनके महीने कुछ और काम कुछ और, इकामा कुछ और काम कुछ और, खासकर छोटा महीना वाले सायका से नामन मंजिली हार्स वगैरह वाले जो बाहर कहीं काम करते हुए पकड़े जाते हैं। तो सऊदी अरेबिया में इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी सख्ती अभी हो रखी है कि जो आपका प्रोफेशनल है, जो आपका इकामे के ऊपर महीना है, आप वही काम करें ना कि उससे।